आज जो सीक्वेंस हो रहा है उसके बारे में, आखिरकार अबीर कुनाल का मिलाप हो ही गया अब? जी हाँ, ये बहुत खुशी का मौका है, चूँकि जैसा कि दर्शक जानते हैं कि अबीर को बिल्कुल ये एहसास था कि उनके प्यारे बाबा वाकई बहुत प्यारे हैं, पर ये माँ अम्बे के आशीर्वाद से मीनाक्षी ये सच उनके सामने लेकर आई कि मेहुल कापड़िया एक दुर्जन व्यक्ति है और उन्होंने हमेशा गड़बड़ी की है और उनकी बुराइयाँ अबीर के सामने आ गई। तो यही अबीर जो कहकर गए थे कि मैं अब अपने बाबा के साथ रहूँगा और इस घर में वापस नहीं लौटूंगा, लेकिन जब सच्चाई उनके सामने मीनाक्षी ने रखी तो अबीर को एहसास हुआ कि नहीं, यही सच्चाई है और बाबा सही इंसान नहीं है। तो वापस घर लौटे हैं, परिवार के पास लौटे हैं, तो ये मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का मौका है। यानी कि धोखे के बास के आने की वजह से जो पूरे परिवार के अंदर उथल पुथल सी मच गई थी, अब अबीर के सामने असलियत आ गई है, तो पूरा परिवार फिर से एक बार साथ में आ चुका है जी। तो इसमें इस तरह भी कोई हम ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ उम्मीद कर सकते हैं या फिर घर के? बिल्कुल बिल्कुल, जब सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत रूप से दर्शकों के समक्ष आती है तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट का तड़का लगाना ही चाहिए, वरना दर्शकों की उत्सुकता कैसे बनी रहेगी। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा कि एक ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट का तड़का तो आने ही वाला है। अच्छा, फाइनली फैमिली रियूनियन कंप्लीट हो गया है, मिश्टी का जो मिशन था वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया, आप सब एक साथ हैं, दोनों भाइयों के बीच में जो गलतफहमी थी वो भी खत्म हो गई और आपके पापा का सच भी सबके सामने आ गया। जी, सब कुछ सही हो गया, हमने सब कुछ बता दिया। गलती कर दी मैंने, यू शुड रिपीट इट। एक्चुअली हाँ, सब कुछ अच्छा हो गया, मिश्टी ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी और बाबा के बारे में भी सारा सच पता चल गया है। तो आई थिंक जो माँ हमेशा से चाहती थी कि उनकी फैमिली एक साथ जुड़ी रहे और जो प्यार है आपस में वो बरकरार रहे, वैसा ही हो गया है, वापस सबसे सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी घुल मिल के रह रहे। अच्छा, कुणाल बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस मोमेंट पे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है उसके अंदर, उनके अंदर। हाँ, जो भी उन्होंने कहा कि आपके साथ पिछले कुछ दिनों में, उसका बहुत गिल्ट है कुणाल के अंदर। ऐसा है नहीं, बल्कि एक्चुअली अबीर को तो ये लगता है कि सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे कि जो भी हुआ कुणाल और अबीर के बीच में भी, लेकिन उसे दुख होता है अपनी जगह कि मेरी वजह से शायद मेरे भाई को बुरा लगा, और अब सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, एक चीज़ और, गोरदाना की रस्म हो गई है, अब बहुत जल्द शादी की एक्चुअल तैयारियां शुरू होने वाली हैं, शादी के कार्ड छपने वाले हैं, पहला कार्ड भगवान को जाने वाला है, तो क्या होने वाला है, प्लान अभी क्या है, शादी के क्या प्लान्स हैं? शादी के क्या प्लान्स हैं, कुछ अमेजिंग ही प्लान क्या होगा अभी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्लान है, बट कुछ नया सोचा होगा, आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ अलग सोचा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सोचा होगा। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आज हम लोगों को देखने को मिली जहाँ पे आप सब लोग पूरी फैमिली एक साथ थी, कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब आप मीनाक्षी कुणाल सब एक साथ, साथ और मिश्टी भी होगी उस पिक्चर में? हाँ, आई मीन दैट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अबीर। अबीर हमेशा से यही चाहता था कि माँ अच्छे से एक्सेप्ट कर ले मिश्टी को और कुणाल भी, और वैसा हो गया है फाइनली, आई गेस, आई मीन अबीर को ऐसा लगता है एटलीस्ट कि ऐसा हो गया, लेकिन देखते हैं रियलिटी क्या है। थैंक यू। फाइनली काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अभी जो सिचुएशन है वो शो के टाइटल पे बराबर जाती थी, रिश्ते हैं प्यार। जी बिल्कुल, नहीं हमेशा से ही रिश्ते प्यार के ही थे, मगर प्यार के रिश्तों में ही अनबन भी होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, और उन गिले शिकवों को दूर कर दिया है, वो मिस्टी की वजह से कही है या सिचुएशन ऐसी हो गई या माँ बेटे और जो भाई भाई थे आपस में जो प्यार उनमें था वो वापस से आ गया है, मतलब दे कैन ट्रस्ट ईच अदर और अपने दुख दर्द बांट सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में डील कर, साथ ही साथ जो पिक्चर जो मोमेंट था जो साथ में एक फ्रेम वो कितना स्पेशल था आपके लिए जिसमें मिस्टी भी थी? एक्चुअली उसका रेफरेंस पिक्चर था जो मैंने खुद ही क्लिक किया था बहुत 2-3 महीने पहले, कुणाल और मिश्टी और मैं बैठे हुए थे तो हमने एक पिक्चर क्लिक किया था, वो वैसा ही कुछ क्लिक करना चाहता था, बहुत ही स्वीट पिक्चर है, ऑफकोर्स कंप्लीट फैमिली लग रही है अब। और माँ के हाथ का खाना बिल्कुल अमेजिंग खाना, माँ के हाथ का हर एक बेटा यही चाहता है चाहे कितना भी बड़ा हो जाए,
माँ के हाथ का खाना मिल जाए, माँ खुद ही खिला दे तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। अभी जैसे सबको पता है कि ये रिश्ता हो, ये रिश्ते हैं प्यार की शादी बहुत ग्रैंड होती है, सब परेशानियाँ दूर हो गई, अब क्या कुछ धमाल होने वाला है? एकदम ग्रैंड, आपको ऑफकोर्स नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, नए नए थीम्स लेके आते हैं और नए ट्विस्ट भी लेके आते हैं, तो होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, मज़ा आएगा, मैं तो एक्साइटेड हूँ। और आप भी देखते रहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जो मुझे पता है आगे होने वाली हैं जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो मीनाक्षी के बीच में काफ़ी तनातनी है, यहाँ पे मिस्टी पहुँच गई है, छुप छुपा के देख रही है, जानते हैं क्या चल रहा है? एक्चुअली अब तक मेहुल जी सबकी गुड बुक्स में थे, एटलीस्ट मेरे और अबीर की, बिकॉज हमें लगता था कि बेचारे के साथ बहुत उन्हें बहुत सारी ट्रबल से गुजरना पड़ा अपनी लाइफ में मीनाक्षी जी की वजह से, तो अब तक वो काफ़ी इनोसेंट थे हम दोनों की नज़रों में। लेकिन आज मैं मीनाक्षी जी से यहाँ मिलने आती हूँ और मैं कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ, कुछ ऐसा देखती हूँ जिससे मुझे मेहुल जी पे डाउट होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि जितने इनोसेंट लोग दिख रहे हैं क्या वो उतने हैं भी, वो झूठ बोल रहे हैं अबीर से, मीनाक्षी जी से झूठ बोल रहे हैं। मैंने मीनाक्षी जी के चेहरे पर भी थोड़ी टेंशन और मायूसी देखी, सो आई फेल्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मिस्टी का दिमाग अब चलना शुरू हो गया कि चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं मेहुल जी का असली चेहरा भी मिस्टी के सामने आ रहा है। हाँ, मिस्टी को अब डाउट हो चुका है, तो जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी तब तक वो चुप नहीं बैठने वाली है। सो जब तक उसे पता नहीं चलता कि मेहुल जी किस इंटेंशन से यहाँ आए हैं, आप एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है, तब तक शी विल नॉट, बिकॉज वो अबीर की लाइफ में कुछ गलत नहीं होने दे सकते। तो क्या एक तरफ मेहुल जी हैं, दूसरी तरफ मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी जी के साथ, तो किस तरह से मिस्टी किस तरह जाएगी या कैसे सपोर्ट करेगी? तो वही तो बात है, जब तक मिस्टी को सच नहीं पता चल जाता तब तक वो किसी के साइड में नहीं है अभी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, बहुत ही बड़ा कह सकते हैं झटका मिला है मिस्टी को, क्योंकि अबीर को सब कुछ मालूम होते हुए उसने बताया नहीं था, जिसके लिए आज माफ़ी मांगने भी आते हैं, लेकिन मिस्टी माफ़ नहीं कर पाती क्योंकि इतना बड़ा झटका मिला हुआ जो। हाँ, एक्चुअली मिस्टी ने अबीर से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मिस्टी से झूठ बोलेगा, एंड बहुत बड़ी बात अबीर ने छुपा रखी थी, क्योंकि जब मिस्टी कुणाल और कुहू के रिलेशनशिप के बारे में अबीर से पूछ रही थी, तब अबीर ने ये नहीं बताया था कि वो जानता है कि कुणाल मंडप से भाग गया था और वो कुहू से प्यार नहीं करता। सो जब ये सारी चीज़ें सामने आती तो मिस्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है अबीर से और बस अब बात नहीं करना चाहती। एक बात नहीं सुनी अबीर के, मतलब अबीर इतना कहना समझाना चाह रहे थे, एक तो घर पे आए थे समझाने, वो मिस्टी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने एक 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 लफ्ज़ भी नहीं सुना कह सकते। हाँ, आपको देखने मिलेगा मिस्टी बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ रहेगी अबीर से जब वो मिस्टी से मिलने आएंगे, और बस जब तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि उन्होंने गलती की है तब तक मिस्टी उनसे बात नहीं करेगी। अच्छा, एक और सच सामने आया जिसमें कुणाल और कुहू जो डाइवोर्स का अभी चल रहा है वो भी मिस्टी के सामने अभी सब सच्चाइयाँ के एक के साथ एक। हाँ, आ रही है। और अभी मिस्टी को पता चला है कि कुणाल कुहू को डिवोर्स देने वाला है, सो ये बहुत बड़ा शॉक है मिस्टी के लिए और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है मिस्टी की, अभी क्या करना है आगे, घर वालों को कैसे बताना है, इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है, सो ये सब चल रहा है। अच्छा, फाइनली सब रिश्ते बिखरते हुए दिख रहे हैं, कुहू कुणाल का, आपको और अबीर का भी थोड़े से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हाँ, सब बिखरते हुए दिख रहे हैं अभी? अभी टेंशन तो आ गई है, सभी रिलेशनशिप्स में टेंशन आ गई है, मेरे और अबीर के बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कब ये प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं कि मीनाक्षी जी हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई हैं, एंड मैं नानू से बात करती रहती हूँ, पता चलता है कि मीनाक्षी जी तो अहमदाबाद बोल के घर से निकली है, बट एक्चुअली वो अहमदाबाद गई नहीं, वो यहीं आई हैं, बिकॉज मैंने उनकी एक झलक देखी और मैं भी सोच में पड़ गई कि वो यहाँ तक कहीं मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आई है, बिकॉज वो हमेशा कहती रहती कि अब भीड़ से दूर रहो, पता नहीं अब क्या ड्रामा होने वाला है। गणपति भी रख रहे हैं आप लोग, काफ़ी सेलिब्रेशन धूमधाम से नाच गा कर लाने वाले हैं। हाँ, उसकी कितनी एक्साइटमेंट? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज हम बॉम्बे, वन ऑफ द रीजंस वो है कि हम बॉम्बे गणपति की स्थापना के लिए आए हैं, बिकॉज अभी हमेशा हर साल मुंबई आके गणपति उत्सव मनाते हैं, बिकॉज उनके पापा भी मनाते थे, सो हम डांस करेंगे प्रॉपर महाराष्ट्रन कॉस्ट्यूम में, नववारी साड़ी पहन के, एंड लेजेंड के साथ डांस होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड।
हाँ एक्चुअली अपने सवाल क्या पूछा सॉरी लिटिल मिस आप लोगों का चलने ही वाला है आपका और मीनाक्षी का तो कह सकते हैं बहुत बार ट्विस्ट भी बिकॉज मीनाक्षी खाली आती है उसने उन्होंने देखा भी अभी तो झलक दिखी हाँ एक्चुअली मैंने वही कहा कि मुझे भी समझ में नहीं है मीनाक्षी जी यहाँ आई क्यों है लेकिन कुछ सीन्स के बाद समझ में आएगा कि उनका असली मकसद कुछ और ही है यहाँ आने का वो किसी और को ढूंढने के लिए आई हैं यहाँ पे और एक एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है बॉम्बे में जिसमें मिष्टी भी इन्वॉल्व रहेगी उस चीज़ में सो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती मतलब मैं मिष्टी और अबीर की खुशियाँ ज़्यादा टिकती नहीं है कभी भी मतलब कहीं पे भी चले जाए वो हाँ मिष्टी हमेशा यही सोचती है कि वो कितनी ट्राई करती है कि इनफैक्ट मिष्टी ने एक डेट भी अरेंज की बॉम्बे आने के बाद अबीर के रूम में बहुत रोमांटिक सा सेटअप बनाया आई डोंट नो आप लोगों ने कवर किया या नहीं वो बट पूरा रूम सजाया रोज पेटल्स और दीयों से लेकिन वहाँ पे भी जस्मी चाची आ जाती तो मुझे लगता है मैं कुछ भी करूँ कुछ ना कुछ पनौती आई हो ही जाती है So, तो क्या लगता है गणपति बापा सारे विघ्न हरने वाले हैं मिष्टी और अबीर के हाँ, या फिर वापस मीनाक्षी जी उसमें भी कुछ ना कुछ तमाशे क्रिएट करेंगी मीनाक्षी जी तो हमेशा तमाशे क्रिएट करेंगी आई जस्ट होप थोड़ा कम करें बिकॉज ऑलरेडी मिष्टी की लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है थैंक यू देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी आप सभी से कि बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को मैं ट्रेस तो कर रही हूँ पर मैं अभी उसे बोल नहीं सकती क्योंकि दर्शकों को वो मिस्ट्री थोड़ा हमें देनी है और उनकी उत्सुकता बढ़ानी है और वो जब देखेंगे तो उन्हें एक धमाका लगना चाहिए इसे आई एम वेरी सॉरी मैं बता नहीं पाऊँगी ये नॉर्मल अच्छा गणपति आ रही है घर में धूमधाम से काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए मैम थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में मैं बस बम्बई आई हुई हूँ और ये बम्बई है और पंडाल में आई हूँ क्योंकि बप्पा का आगमन होता है और बम्बई तो बहुत मशहूर है बप्पा के आगमन के लिए और उनकी आगता स्वागता के लिए तो बम्बई आऊँ और बप्पा के दर्शन ना करूँ ये हो नहीं सकता है तो दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बप्पा के दर्शन के साथ साथ बच्चों को भी देख लूँ अबीर और कुणाल को मिष्टी से मिलने ही वाली होती है देखिए कौन है मिष्टी मिष्टी अग्रवाल जब से मेरी ज़िंदगी में आई है उथल पुथल मची है तो कृपया भगवान के माहौल में फ़िलहाल उथल पुथल की बातें न की जाएं चलिए थैंक यू